मेरे पास ये खाली बोतल है, कुछ लोगों के खाली दिमाग की तरह। तो अगर मैं इस बोतल में सबसे ज्यादा जहरीले केमिकल सब्सटेंसेस डालूं और इसे पैक करूं, और पैक करने के बाद इसके ऊपर मैं लिखूं 100% ऑर्गेनिक, और अगर मैं इसे जाकर मार्केट में सेल करने का ट्राई करूं, तो ये बोतल मैं अच्छी कीमत में बेच सकता हूं, इसकी मुझे गारंटी है। क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पर जहरीले प्रोडक्ट्स लोग खरीदते हैं और उन्हें लगता है कि जो चीज हमने खरीदी है वो ऑर्गेनिक है। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिक चीजों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो है वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वॉचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है, क्योंकि एट द एंड जो प्रोडक्ट हम एज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं वो हमें फार्मिंग से ही मिलेगी, जो कि होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आखिर इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब समझते हैं। तो कोई भी ऐसी फार्मिंग और जिस फार्म में हम किसी भी सिंथेटिक सब्सटेंसेस का और केमिकल सब्सटेंसेस का यूज नहीं करते हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो ऐसी फार्मिंग को कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन शॉर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस का यूज नहीं करते, हम सिर्फ नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज करके और नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करके और जो चीजें हमें नेचर से मिलती है उन्हीं चीजों का यूज करके जब हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम खेत में ग्रो करते हैं, तो उस चीज को कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और अब बात करते हैं कि हम जब किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो वो कितने हद तक ऑर्गेनिक होता है। अब जैसे कि आप सबको बताए कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो इतनी सारी पॉपुलेशन को ऑर्गेनिक चीजें देना कितने, मतलब हम कितने हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, इतने ज्यादा हमें चीजें करनी पड़ेंगी कि हम इस ऑर्गेनिक चीजें हम इतनी सारी पॉपुलेशन को दे सके, जो कि मुझे लगता है कि जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे पॉपुलेशन को ऑर्गेनिक चीजें प्रोवाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली ये चीजें होती है कि हमें जो उसका प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए यहाँ पर नई जो चीज है फर्टिलाइजर्स केमिकल यूज किए जाते हैं, देन बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का यूज किए जाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इसीलिए लोग आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़कर सिंथेटिक चीजों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स और बहुत सारी चीजें वो फार्मिंग में यूज करते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक केमिकल्स का यूज करके जो प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं मार्केट में सेल करते हैं, तो वो काफी हद तक हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। तो इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट लेने के बाद आपको ये जरूर क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है वो असलियत में ऑर्गेनिक भी है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ उस प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है कि वो ऑर्गेनिक है। तो ये काफी हद तक ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं एक बार उसे क्रॉस चेक कर ले कि वो ऑर्गेनिक है या फिर नहीं। इस रिलेटेड काफी स्कैम भी ऑलरेडी इंडिया में हो चुके हैं कि ऑर्गेनिक के नाम पर केमिकल से भरी चीजें लोगों को बेची जा रही है और लोगों को लगता है कि हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं, हम सारी चीजें ऑर्गेनिक कर रहे हैं। हालांकि आजकल ये जो ऑर्गेनिक टर्म है वो हेल्थ से रिलेटेड कम और फ्लेक्सिंग से रिलेटेड ज्यादा उसे कंसिडर किया जाता है, लोग फ्लेक्स करते हैं इस चीजों को लेकर कि देखो भाई मैं तो ये ऑर्गेनिक चीजें खाता हूँ, मैं ये महंगी वाली ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाता हूँ, ऑर्गेनिक फल, मैं ये फल खाता हूँ। ऐसे लोग हवाबाजी करते हैं सोशल मीडिया पर, जो कि चीजें मैंने काफी बार देखी है। लेकिन भले ही वो उसकी फ्लेक्सिंग कर रहे हो, लेकिन क्या ये चीजें उन्हें पता है कि ये असलियत में ऑर्गेनिक है या नहीं,
क्योंकि इतने बड़े स्केल के ऊपर ऑर्गेनिक चीजें बनाना मुझे लगता है काफी डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन हमारा है और इतने सारे पॉपुलेशन में सारे को ऑर्गेनिक चीजें प्रोवाइड करना आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल है। लेकिन काफी सारी कंपनियां ये क्लेम करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है। तो ऐसे में आपको भी अवेयर होने की जरूरत है कि क्या असलियत में वो कंपनी हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रही है या फिर नहीं। तो ये चीज एकदम ध्यान में रखिए और नेक्स्ट टाइम कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बाय करने से पहले एक बार जरूर क्रॉस चेक कर ले कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो 100% ऑर्गेनिक है या फिर नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं तो 50-50% चांसेस हो सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक के नाम पर आपने खरीदा है वो बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है। तो इस चीज को जरा आप ध्यान से चेकआउट करके फिर ही आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कीजिए। तो ये जो वीडियो है बेसिकली वो आप सबको अवेयर करने के लिए है कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक के नाम पर वो ऑर्गेनिक है या फिर नहीं, इसे क्रॉस चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप इसके बाद ये जरूर मेक श्योर करेंगे कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो 100% ऑर्गेनिक है या नहीं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।